इस एम्प्लाई ने नहीं ली छुट्टियां, बदले में कमाए 20 करोड़ रुपए। भारतीय अक्सर काम से छुट्टी न लेने के लिए प्रसिद्ध हैं और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण बन गए हैं अनिल मणिभाई नाइक। लार्सेन एंड टूब्रोथ के रिटायर्ड नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अनिल नाइक को कारपोरेट में उनके योगदान के लिए 26 जनवरी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। भारत रत्न के बाद पद्म भूषण दूसरा सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है। नायक ने पिछले साल अपनी छुट्टियां खर्च नहीं की, जिसके एवज में उन्हें करीब 20 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। नाइक ने इसमें 5 दशकों तक अपनी सेवाएं दी हैं। 2017 से 18 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक नाइक ने पिछले साल बची हुई छुट्टियों को कैश कराकर 19.40 करोड़ रुपए कमाए। उन्हें इस साल करीब 1.37 अरब रुपए का भुगतान किया गया, जिसमें उनकी बेस सैलरी 2.73 करोड़ रुपए है। रिटायरमेंट, ग्रेच्युटी, बेनिफिट और स्टॉक विकल्पों को मिलाकर उन्होंने करीब 1 अरब से ज्यादा कमाई की। बिजनेस टुडे से बातचीत में नाइक ने बताया था कि वे मुश्किल से ही रविवार को छुट्टी ले पाते हैं। बत और नाइक, मैं यूएस में रह रहे अपने बेटे और बेटी के साथ कुछ दिन रहने नहीं जा पाता हूँ। मेरे बेटे और बेटी ने अब मुझे मेरे हाल पर ही छोड़ दिया है, क्योंकि उनकी शिकायत रहती है कि मैं रात को आता हूँ और अगली सुबह निकल जाता हूँ। नाइक का बेटा जिग्नेश नाइक कैलिफोर्निया में गूगल में काम करता है और बहुरूचा से फिर की CIO है। नाइक की बेटी प्रतीक्षा और दामाद मुकुल दोनों डॉक्टर हैं। नाइक के पिता गुजरात के एक प्राइमरी स्कूल में टीचर थे। नाइक ने 1965 में जूनियर इंजीनियर के पद पर ज्वाइन किया। धीरे धीरे कंपनी में उनकी पदोन्नति होती गई। नाइक ने कंस्ट्रक्शन कंपनी की एंट्री डिफेंस फील्ड में करवाने में अहम भूमिका निभाई। 1.83 लाख करोड़ का कारोबार करने वाला ग्रुप वर्तमान में और फाइनेंशियल सर्विस भी उपलब्ध कराता है।